चांदनी है, किसी दिन जो है ना मुझसे कुछ सुन लेंगे आप, अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तमीज से चाय पी। हम आ चुके हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को जो इस वक्त केटू की स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं। हम मेजबीन लाउंज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह द वन एंड ओनली चांदनिया, अपनी बदतमीजियों के हमराह। मैं भी दुआ सलाम करेगी ना? हाँ जरूर जरूर चांदनिया, आपके बगैर तो ये नाखून जाएगी ना। चांदनिया टिश्यू ले, बदतमीजी नाखून साफ करता है। नहीं नहीं टिश्यू आने चाहिए ना। अच्छो खैरी नाल मामे हो ताए हो चाचे हो ममलेरो पफेरो मासी हो ताई हो, उम्मीद करनी है तुसा बालो सो, अल्लाह तुसा की सदा खुश रखे। चांदनी खबरनामा नहीं चल रहा जो इतना ठहर ठहर के आप बोल रही हैं, जल्दी जल्दी बात करें, खत्म करें बात को। असल च तुसा की आज कोई कोई महसूस नहीं होना पाया। क्या चीज? क्या यानी फॉर एग्जाम्पल कोई चेंज वगैरह इस तरह? कौन सा चेंज? नहीं नहीं और आगे पीछे तक ही नो ना, ना क्या चेंज भाई? मैं हूँ आप हैं भाई सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो आने वाली ना है जड़ी कौम जड़ी उस कौम ने हालत नहीं बदलनी। अच्छा जड़ी कौम अपनी हालत खुद ना बदले। ये बात तो ठीक है आपने चांदनिया कि इंसान को अपनी हालत खुद बदलनी चाहिए, लेकिन आज आप इतनी क्यों सोफिस्टिकेटेड हुई हैं, इतना ठहर ठहर के बोल रही हैं और बहुत ही जहानत वाली बातें कर रही हैं। जी 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 आज मैं गई सी यहाँ रास्ता ने कहा बुने ग्रांत है सह रास्ता में तकिया कहानी आई बिस्मिल्लाह चांदनिया मैं अल्लाह रोज तो पहुंची होती है आप वहां फिर भी बिचारी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खैर ही करे आज क्या होया। हाँ फिर के सारियां कठिया हुई एकदम ते तकन सारियां है चौन मिया मैं हया होया के कोई गल बाओ आने चौन मिया माशाल्लाह आज चश्मिया च तुसा बिल्कुल अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल तुसा ताली में आफ्ता लगने हो। आप इस चीज की बात कर रही थी? I'm sorry, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन चांदनिया इंसान को एजुकेटेड नजर नहीं आना चाहिए, एजुकेटेड बिहेव करना चाहिए। मतलब बिहेव करना चाहिए ना, उन एजुकेटेड उन चश्मे नजर आसी तो ऊपर सी ना, ये नजर ही ना आसी तो ऊपर सी की तो एवं तक ना मैं प्याले तक चीनी भी नजर रचनी पी। क्या बात कर रही है चांदनिया? हाँ हाँ मैं तो बोली नहीं है ये तको ना डस्ट। अच्छा मतलब अब आपने ऐनक लगा लिए तो इसका मतलब ये है कि अब आपको हर चीज इतनी क्लियर नजर आनी शुरू हो गई है? ये जो गिलास है पानी है ना। हाँ जी। अच्छा चांदनिया ये किसने मशवरा दिया आपको ऐनक लगाने का? राशदा से कभी कोई अच्छा काम नहीं हुआ, जब भी कोई काम करना है कोई खर्चे वाला काम ही करना है। मैं इसे वास्ते मैं फिर सह उन्होंने करूँ निकली है ना रोटी खाई जाए आया ये रोटी भी खाई पी पेट भरी सुकून अले निकली है था बीबी जी सारे पे तको वो तो और सह में ऊपरे ग्रां पहुंची है ना। क्यामत की निशानी है ना कि मतलब वैसे ही मैं बात कर रही थी, मतलब आजकल लोग वैसे ही कहते हैं ना कि भाई वो कोई ऐसी अनहोनी बात हो जाए तो कहते हैं जी क्यामत की निशानी है। नहीं माड़ियाँ कोई चार लताइयाँ जो क्यामत नहीं निशान। वैसे मैंने बात कर ली। या कोई माड़ियाँ छह अखाइयाँ के क्यामत नहीं निशान। वैसे तो हैं चांदनिया चार तो हो गई हैं। चार तो थैया ना। हाँ। चार तो थैया। हाँ हाँ चार थैया था सह में ऊपर आया ने बीबी जी आए मैं ये ऐसा तकिया था मलक सह में तकड़ा गया तो चश्मा कदे लाए अपना। आपको पता है मलिक साहब ने क्या किया? ओहो ऊपर थल्ले मैं है अल्लाह खैर ही करे मैं है आज मलिक नजर लासी मलिक साहब को पैसों की जरूरत थी और जमीन बेच रहे हैं। हमें कॉल आई थी उनकी
कोई कह रहे कोई अमरीका शमरीका जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई पैसा हाँ तो बेसुन ना जड़े हालात है। अच्छा कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ओ बिस्मिल्लाह जी वालेकुम अस्सलाम अच्छो खैरी नाल शुक्र है चांद नहीं है कुछ 6 महीने बाद से नाल काल मिली बड़ी मुश्किल नाल बड़ी मुश्किल नाल। हाँ सुनाओ अपना नाम ही तो दसो। मेरा नाम नजर हुसैन नाल है मैं ख्वाट तो गल कर रही है। कुछ बोल रहे हो ख्वाट ख्वाट कोहाट से बात कर रहे हैं कोहाट से। अला 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 माशाल्लाह अच्छो खैर नाल सुनाओ तबीयत ठीक है घर बार डेरा डागा बल्ला सारे ठीक ठाक है। मैं कहना है कि थोड़ा प्रोग्राम जो है पूरे पाकिस्तान में मशहूर प्रोग्राम है चांद नहीं है आपका और हमारी मैडम साहब का जो सेटिंग है ना अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा। मैं 10 साल से देख रहा हूँ आपके चैनल आपका चैनल जैसा चैनल कोई भी नहीं है। ये आपका प्यार है ये आपका मोहब्बत है। हाँ जी। नहीं आप लोगों की मेहनत हुई है जो काम हुआ है तो हम पसंद कर रहे हैं तो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है। आपके जो प्रोड्यूसर साहब है उनको शुक्रिया मेरा और जो कमरान सर है हामिद सर है मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि ऐसे चैनल बनाए हुए हैं कि हम फैमिली चैनल देख रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम आप पर तो खत्म है जो काम भी आप करती है ना तो मेरी बहन कहती है कि ऐसा काम कोई नहीं कर सकता जैसे मैडम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत उजाड़ी है। जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता इतनी सेटिंग बोलना या बाल का अंदाज करना या वो करना तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का जितनी तारीफ करें कम है। बहुत शुक्रिया चांदनी आपके पश्तों के प्रोग्राम भी सब देख चुके हैं मैंने 10 साल से देख रहा हूँ। जी 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 थैंक यू अच्छा सा कोई माँ की तरफ से मैं सुनाता हूँ आपको ऐसे अगर कोई मुझे सुनाए ना एक एक कोई भी बात हो तो मेरी 50 साल हो गए अम्मी बहुत हो गई थी ना। जी 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 ठीक है जनाब तो मैं सिर्फ एक लफ्ज ही आपको सुनाता हूँ कि सुने आप जरूर जरूर सुनाइए सुनाओ सुनाओ। जी जी दुआ दुखे मेरे मुर्शिद वाला जा खोला मैं लाल दी माए दी मैं किन्नू आखा थुआ दुखे मेरे मुर्शिद वाला जा खोला मैं लाल दी माए दी मैं किन्नू आखा तो मेरी तरफ से आप फौज का बहुत शुक्रिया अंदाज है अल्लाह ताला कामयाब कर इसी तरह से फाक दी अच्छा कोई वजीर आला आया कि हमारे लिए अच्छा हुआ गरीब लोगों के लिए आमीन आमीन आमीन। इतनी खूबसूरत कॉल थी आपके तमाम घर वालों को हमारा बहुत बहुत सलाम और इतनी खूबसूरत कॉल थी जितनी इनकरेजमेंट उन्होंने की जितना हमारी मैनेजमेंट की तारीफ की यकीनन कि जब सब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये इनकरेजमेंट ही होती है ये आप लोगों की सपोर्ट ही होती है जो हमें काम करना और बेहतर काम करना सिखाती है। तो इतनी खूबसूरत कॉल के बाद मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम सुनाएं और वो आपको डेडिकेट करें कि आपने हमें इतनी प्यारी कॉल की। खूबसूरत सा गीत सुनते हैं जी आइए बाज अखलाक अहमद साहब की और जिन मैं समझती हूँ जिन लोगों को जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता अखलाक अहमद साहब जो थे वो बहुत ही जबरदस्त आवाज के मालिक थे और बहुत अच्छी शख्सियत के भी। जी मैं बात करी चाहने टिशू दे दो ना अभी तो आपको टिशू चाहिए नहीं था आप क्या कर रहे हैं आप टिशू का आई बीबी जी तुसा की ना पता खुदाया आज ये ऐनक हमारी जान लेके छोड़ेगी भाई मैं तुसा की किस तरह समझा चांदनी दुनिया ऐनक लगाती है कौन सा इतना मतलब मसला ही बन गया है। हाँ हाँ दुनिया लगाती है दुनिया लाने तो लागे ना हाँ दुनिया लगाती है हाँ हाँ ये माड़ा जड़ा चश्मा ना अनोखा चश्मा है हाँ 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 कोई मजाक नहीं ये टिश्यू को उठा के प्रॉपर तरीके से उधर सॉसर में रखे हाई लोटी लोटी उसने मैं चश्मा साफ किया जेब रखा मतलब वो कप के सॉसर में तोबा इससे भी कोई चीज फेंकता है तमीज भी कोई चीज होती है चांद मियां आप कहती हैं एजुकेटेड एजुकेटेड बनके भी तो दिखाना पड़ता है दिखाना पड़ता है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम ओ बिस्मिल्लाह अच्छो खैरी नाल वालेकुम सलाम जी गुजाला मलिक बोल रही हैं मलिक जी तुसने आवाज जानी पहचानी है माशाल्लाह 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 क्या हाल है ठीक ठाक हो शुक्र है ऐसा बिल्कुल ठीक ठाक है तुसा ठीक है डेरा डगा बाला
गजाला जी बहुत दिनों के बाद कॉल किया आपने, क्यों कहाँ थी आप? वो बात ये है अल्लाह भी नहीं रही थी कॉल मेरी बहुत अरसे से, फिर अब 9 बजे से जो अब कभी आपका टाइम चेंज होता है, उस दिन जुमे को लेके बैठ गए, नहीं नहीं 9 बजे मेरा प्रोग्राम आएगा, वो नहीं आया। कल मैंने फिर एक्ट में देखा तो पता चला जुमे रात को हो गया। लोटी लोटी ये गलती हो गई थी हमसे वाकई में ना, ये बेचारा ना बेड़ा घर को ही क्या काम मिलाई था। अच्छा छोटी कैसी है, ठीक है? वो आपकी बहू कैसी है? वो भी ठीक है, छोटी नानी के घर भी आए, कल पेपर खत्म हुए हैं। अच्छा, तो वो फिर अपनी नानी के घर का रुकने चली गई 2 दिन। आपने कहा हमारा क्या बनेगा, कहते 2 दिन की तो बात है दादो, वापस आ जाऊंगी। उन्होंने कहा आप उदास मत हो, मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगी। और उसकी बड़ी रौनक होती है ना घर में, भी कुछ ना कुछ लगी रहती है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जिस तरह फोन पे बात करती है तो वो हमारे साथ साथ हमारे प्रोग्राम के साथ साथ बड़ी हुई है, वो अब तो माशाल्लाह बहुत समझदार हो गई है। हाँ जी, पहले तो जब भी वो 4 साल की बात करने लगी आपसे, माशाल्लाह 8 साल की होगी। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बस ये देखे ना एक जनरेशन हमारे साथ बड़ी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हर फन मौला है तारी, बस स्कूल में टीचर कहती है कोई बच्चा जो ये काम करेगा तो वो कहते आया फातिमा है ना वो कर देगी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कराची का मौसम कैसा है? बहुत गर्मी है, गर्मी है बहुत ज्यादा। लोटी लोटी, लेकिन गजाला ये बेहतर है ना कि वहाँ हवा चलती है तो मौसम अच्छा रहता है, हवा की वजह से थोड़ा गुजरा। हवा तो खूब चल रही है, इस वक्त भी हवा बहुत चल रही है लेकिन गर्मी भी बहुत शदीद है। अच्छा अच्छा, आप कराची के किस इलाके में रहती हैं? गुलिस्तान जौहर में रहती हूं। अच्छा, गुलिस्तान जौहर में आप रहती हैं, तो अच्छा इलाका है, बड़ा प्यारा। हाँ, यूनिवर्सिटी के पास आ गई है। सही सही, बहुत शुक्रिया। खुश रहो आबाद रहो मलिक जी, खुश रहो। आज आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, वो बाहर के ब्याह से पहना। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की मोहब्बत है। थैंक यू गजाला फोन करने का। सबको सलाम दुआ कहिएगा, हमारे जितने भी कॉलर्स हैं रियली हमें जब बहुत दिनों के बाद कॉल करते हैं तो हम ऐसे हमें याद रहता है कि हमें किसने कॉल की थी किसने कॉल नहीं की थी, और नए आने वाले भी जब कॉल करते हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा महसूस होता है कि K2 के चैनल पर हम बात करें या हम अपने खैबर नेटवर्क की बात करें, अगर हम अपने खैबर टीवी पर भी होते हैं तो जितने भी हमारे कॉलर्स होते हैं, मैं बहुत सारे चैनल्स देखती हूँ, आप भी देखते होंगे, लेकिन जो कॉलर के साथ हमारा एक कनेक्शन इस चैनल की वजह से सेट हुआ है, बिलीव मी वो मुझे कहीं और उस तरह से नजर नहीं आता, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे घर के अफराद हैं और हम उनसे फोन पे बात कर रहे हैं। बहुत बड़े अच्छा मिल लेना बीबी जी, माना K2 नल बो प्यार करने, इतना प्यार करने, आए लोटी लोटी पूछने रहने मारे को है पीछे कौन बैठे, मैं है नहीं मुंह। अच्छा हां नहीं मुंह पीछे बैठा होना ते मुने की के पता। हां बैरन है, हां इतना प्यारा उनका नाम है नईमुल्ला बटखेलवी। बटखेलवी अभी वो 10:30 बजे तक अगर हम बात करें ना, 10:30 बजे तक हमारे प्रोड्यूसर ने कुछ भी कह सकते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप हैं। यस जी जनाब, डेफिनेटली, इसीलिए अच्छा बयान दें। ऑफ कोर्स, आजकल मुख्तलि बयान आ रहे हैं, अच्छे अच्छे वो बयान, असल तो बहुत प्यार करने हैं, मान ना लसत है, पूछो ना 10:30 बजे तक है ना। हेलो, अच्छा चांदमिया छोड़े, एक और कॉल है, कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अच्छो खैरी नाल? ओ मैं ठीक ठाक हां जी, तुसा सुनाओ। ओ बिल्कुल ठीक ठाक हां, ओ बिल्कुल ठीक ठाक हां, स्टाम लिखी दे। अच्छा आप पहले जो है वो टीवी की आवाज बंद करें फिर हमसे बात करें। हाँ रेडियो ने आवाज बंद करो, ये तो इस तरह फिर आप हमसे कैसे बात करेंगे भाई, फिर मारो गप। पहले कुरे लेटे से फिर उठे बैठे से, हाँ फिर बैठे से ना। अच्छा जितने भी कॉलर्स हैं, वैसे तो जो हमारे पुराने कॉलर्स हैं उन सबको पता है कि यास्मीन भी करता है, नए वालों को भी पता है, लेकिन ये होता है कभी कभी एक्साइटमेंट में ऐसे होता है कि वो टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करते, फिर उसको सुनते हैं टीवी को सुनते हैं फिर हमसे बात करते हैं, फिर वो बात उस तरह से हो नहीं पाती, तो ये थोड़ी देर की बात होती है, आप लोग पहले हमसे बात कर लिया करें, फिर इंशाल्लाह जब रिपीट हुआ करें फिर उसमें देख लिया करें आप। तो हमने ग्रां तो बीवी जी निकली है ना, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अच्छो खैरी नाल? माशाल्लाह कितना सॉफ्ट आवाज है। हाँ, कौन बात कर रही जी और कहाँ से? सीमान बात कर रही हूँ पिशावर से। सीमा पिशावर से, सीमा बात कर रही है? आप देखो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सीमा, आप कैसी हैं, खैरियत से? जी अलहमदुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही है।
हमेशा की तरह वेरी गुड। बहुत शुक्रिया मेरी जान। आज मेरे भाई की शादी है। अच्छा, तो मैं आपको इनवाइट करी ना कि आप मेरी भाई की शादी पर। ओहो वाह जी वाह, आपकी भाई की शादी है और अल्लाह बहुत मुबारक करे आप लोगों को कि आप लोगों को ये खुशी देखनी नसीब हो। मेरे भाई इंग्लैंड में होता है ना। थैंक यू मेरी जान इनविटेशन का, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है कि आप लोग इतना अपना समझते हैं, इतना अपनापन है कि चांदनी को भिजवाती हूँ शादी पे। हाँ जी पेशावर। नहीं तो मैं के अपना कर लीजूं ना। नहीं अकेले ना जाना ना, ये दफ अपने साथ ले जाना। वो तो नहीं मारे ना। अच्छा जी, इसी बात पर हम एक और अच्छा सा गीत सुनेंगे, फिर जब हम वापस आएंगे कुछ कॉल्स लेंगे, अगर ब्रेक आ गई तो ब्रेक भी ले लेंगे और फिर चांदनिया से हम अच्छे अच्छे से जो है माइये भी सुनेंगे। तो पहले गाना सुनते हैं। ना छोड़ी कोई अद्धे बिच ना छोड़ी गल सुन के जहान दिया कोई अद्धे बिच ना छोड़ी गल सुन के जहान दिया सारे गमा पादनी सासन दा पमा सारे गमा पादनी सासन दा पमा सारे गमा पादनी कितने उसमें ये सारा चश्मे तक चश्मे ने कमाल है। कमाल हो गया भाई ये। तो फिर आप पहन के आया करें, ये तो कमाल हो गया। मैं कदे भी उड़ना ना हुआ। अच्छा हाँ हाँ, अब तो जरूर बुने ग्राम में नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि भाई जरूरत है ना, खूबसूरती है। कहाँ कन्ना पर खलते से वाह जी वाह। उन्हें चांद में आज थे बस
चलो शुक्र है हाँ इतनी इज्जत मानल बुने ग्रां तू चढ़ी है उपरे ग्रां उपरा ग्रां क्रॉस कीता ते अगे फिर सड़क आई हाँ जी फिर सड़कें इतनी टुरनी 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 अगे वो बड़ा चौक है ना जिथे इशारा लगा जी जी आई बीबी जी मैं तको तो गड़िया तो जाहिर सी बात मामा कोई नहीं था वो चौक है उस पे तो गाड़ियां ज्यादा होती हैं तो चौके चौकीदार मामा कोई नहीं था चौकीदार हां हां वो जड़े खलते हैं उन्हें कोई ट्रैफिक वाला होता है क्या हो गया भाई ट्रैफिक सा अच्छा कॉल ले ले पहले हेलो हेलो हां हेलो जी हेलो हां हेलो हेलो कौन चल रहा है हां हां ठीक ठाक खैरियत और सुनाओ खैरियत है वो कुतु कॉल की थी ना कौन चल रहा है हेलो आए वो नहीं भाई हेलो हाय हाय आवाज नहीं इसने भी कॉल ड्रॉप हो गई है आपने चांद में उनको कंफ्यूज कर दिया ना आपने नहीं जिस तरह वो बोले तो मैं बोली है ना बुरी बात है चांद में उनको पहले आप थोड़ा सा बात तो कर देते थे बेचारे वो भाग गए डर के मारे उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है वो समझ रहे हैं किसी और मखलूक से मेरी बात हो गई है नहीं नहीं मैं उससे जमाने गल करा कोई मसला नहीं उन्होंने कहा ये तो लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही चांदनिया हर इंसान का अपना अंदाज होता है ना उन्होंने कहा हेलो आपने फौरन कहा हाँ जी हेलो हाँ अंदाज अपना अपना सैम है चौके चाहिए बीवी जी तो गड्डियां खलतियां हैं कोई किधर हेलो वालेकुम अस्सलाम अच्छो खैरी नाल ठीक ओ बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह कौन इतनी सोनी आवाज माशाल्लाह ना क्या कितना प्यारा ना प्यारा ना ना दसो चांदनिया बड़ा ना है माड़ा ना है सुदा साइमा आबाद है साइमा आबाद साइमा आबाद माशाल्लाह सैमा सैमा जी जी नाम इतना सोना तो माशाल्लाह आवाज भी इतनी सैमा सुनाओ ठीक हो खैरियत है कार बार सारे ठीक ठाक अल्लाह ने शुक्र मैं भी ना भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सैमा ठीक हो आप खैरियत से हो अल्लाह का शुक्र मैं भी ना भी आप लाशारी का प्रोग्राम जी आपका और नमान लाशारी भाई का प्रोग्राम आप दोनों क्योंकि वो बहुत सब लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन आप दोनों के प्रोग्राम से मुझे इश्क है तो इतनी कॉल मिलाई है नमान भाई के नंबर उस प्रोग्राम में इतनी कॉल मिलाई है इतनी नर्वस हो रही हूं आपसे बात करके अच्छा इंशाल्लाह नुमान को दोबारा इनवाइट करेंगे और उनसे कोई बहुत ही जबरदस्त से गाने भी सुनेंगे और आपकी बात भी करवाएंगे थैंक यू सो मच आपकी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की और इतनी तारीफ की थैंक यू सो मच जी जीती रहिए थैंक यू वेरी मच अच्छा चांदनिया फिर आप चौक पे पहुंच गई मैं सह चौक पे पहुंची हूं अच्छा। मैं उन्हें किया है अपनी बारी ने इंतजार करो किसको कहा अच्छा गाड़ी वालों हाँ हाँ ओके, ओके। मैं खलती है ना बीवी जी मैं क्यों ऐसा किसी को काटा आपको क्या जरूरत थी आपका काम था नहीं तो क्यों गड़िया अल्लाह इस तरह जुल उनको इस तरह जुले अच्छा, रश हो गया हाँ मैं खलती है ना उस सही थी मैं है शाबाश फिर मैं इस तरह करा मैं है बीवी जी एक गड्डी भी नहीं टूरी गड्डी ने टूरना था जो कुछ आप कर रहे थे सारे थले ले आए तो मैं यहाँ गड़िया बो मैं किस से खलती है चौ के चौ हाँ है नहीं चांदमी ऐसा ताल लेते हैं कैसा है तू चांदमी की तक अंदाजा लाओ देखिए ना आप इतने पॉपुलर हैं चांदमिया कि आपको देखने के लिए उन्होंने गाड़ियां छोड़ी और बाहर निकल आए कॉल लेते हेलो हेलो जी करा बिस्मिल्लाह करा अच्छा खैरियत है वालेकुम सलाम अच्छा मैं लाहौर से जरा बात कर रही हूं जी जी हम रोज आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं लिखी था क्या रखे अल्लाह सुनाओ खैरियत है ठीक ठाक हाँ जी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक आप सुनाए असल में वो खुश बहुत खुश होती है आपके टपे सुन के माशाल्लाह फिर बीवी जी नाल गल करो आपने लाहौर से कॉल की नाम क्या बताया आपने अजरा बीबी अजरा बीबी अच्छा आपने पहली दफा कॉल की है मैं जी जी पहली मरतबा की है लाहौर से हमें अक्सर कॉल आती है लेकिन वही बात है कि आपकी कॉल पहली दफा आज हमने सुनी है और आपकी आवाज से लग रहा है बहुत खुश है माशाल्लाह जी बहुत खुश हूँ अच्छा और वैसे आप बेसिकली लाहौर की हैं या नहीं इधर हजारा साइड की हैं नहीं नहीं हम लाहौर के ही हैं अच्छा प्योर लाहौर के हैं चांदनिया के जो माई है वो फिर आपको समझ आते हैं क्योंकि वो खैर हिंद को पोटोहारी और पंजाबी काफी मिक्स लगती है समझ आ जाती है ना हम पंजाबी भी बोल लेते हैं उर्दू भी अच्छा बहुत अच्छी बात माशाल्लाह और भी सीखो हमारी ये कोई फरमाइश जी जी बताइए
जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। क्या बात है, मैं तो जरूर सुना देते हैं जनाब, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं और करना भी चाहिए। जी हम तो आपके बहुत फैन हैं दोनों के, चांदनिया के भी आपके भी। बहुत शुक्रिया जी, पुराने पुराने गाने सुन के बहुत दिल खुश होता है। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो आप लोगों की वजह से ही मौजूद हैं। आप लोग प्यार करते हैं तो हम आते हैं। बिल्कुल, आपको गीत सुनाएंगे, ये वाला गीत तो अगले प्रोग्राम में, अगर अभी ना हो। नहीं जी नहीं, है उन्हें सुनाने। हाय अल्लाह, हाँ हाँ, वो इतने खुश है, देखो थैंक यू। हाँ 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 पापा, ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के एंड तक जैसे भी मैनेज हो तो हम आपको दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं, उसके अलावा एक और खूबसूरत सा गीत सुना देंगे। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, मेरा सलाम आपको, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा और इतनी मोहब्बत भरी आवाज। चांदनी, ये गीत आपको आता है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे अच्छा, कभी कभार ये गाना भी गा दिया करें ना। लेकिन हम इंशाल्लाह इसको, प्रोड्यूसर साहब ने सुन भी लिया है, अगले प्रोग्राम में तो मस्ट इंशाल्लाह सुनवाएंगे। नहीं भाई, इसको आपने नोट करके रखना है, जो भी फरमाइश आएगी, क्योंकि आज के प्रोग्राम के जो गीत हैं वो तरतीब दे चुके होते हैं और फिर उसका एक सेटअप होता है, तरीक़ाकार होता है, उसी के थ्रू जो है वो आपको सुनवाते हैं। तो अगर ना रेडी हुआ तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में तो अज़रा ज़रूर आपको सुनाएंगे। आपका जो गीत है वो हम, क्या ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस थी, और मैडम नूरजहाँ की आवाज़, और रहमान साहब जो है इस फिल्म में हीरो थे, और पहले का म्यूजिक और शायरी दोनों चीजें कमाल थी। कमाल है ना जान, तौबा तौबा तौबा। अब तो शायरी, अब तो बहुत कम शायरी है जिसको बंदा सुन के याद रह जाती है। वैसे बीबी जी, गलत तुसें कि मैं दसा, हुन जड़ी शायरी है ना, हाँ जी, वो जड़ी शायरी है एक वंडियो, वो जड़ी शायरी है ना, हुन असल वो शायरी बिल्कुल जड़ा ना होन। वो आप क्या कहते हैं, नीली नीली अखियां आसमानी रंग दी, कुछ गाते हैं, नीली नीली अखियां आसमानी रंग दी, होश पलावे नाल दिल मंग दी, मैं आई समुंदर पार जी, ये देखे ना, ये अब शायरी है ते गले में तको शायरी बड़े मैंने रखनी, बिल्कुल जानिया शायरी जड़ी है ना, हाय हाय हाय, एहसासात जज्बात की तर्जुमानी करती है, है ना। शायर लिखने उन्हें सम, लेकिन क्या बातें हैं जी उन्होंने, क्या गलत है। इसलिए चांदनिया, लोग पुराने गीतों को अभी भी इतना ही पसंद करते हैं, चाहे वो उस दौर के थे या नहीं थे, इवन के जिन लोगों ने ये गीत सुने हैं उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। इस सोशल मीडिया का दौर और डिजिटल मीडिया के दौर के बावजूद लोगों को जो है अभी भी वो गीत इसीलिए अच्छे लगते हैं कि उनमें कोई ख़ास बात थी, और उस वक्त बहुत मेहनत की जाती थी, नो डाउट अभी भी मेहनत करते हैं लोग, लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि चीज़ों की इतनी बहुतात नहीं थी, इतना ईजी नहीं था, लोग भुलने पे उंडड़ियाँ पिछलियाँ गल्लां रिवायात रस्म और रिवाज जी ने किया। अब देखिए ना चांदनिया, भूलने पे बिल्कुल, क्यों, मैं 100 दफा मना किया, मैं बुने ग्राम में, मैं है ना करो, मैं है वो, अगर तुसने कोई ब्याह शादी है जी कॉल ले ले, फिर मैं आपको भी याद करवाऊंगी, शादी तो याद आया। हेलो चांदिया, ठीक हो? हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक हो? ओ जी जी, बिस्मिल्लाह करा, अच्छो खैरी, अच्छो खैरी नाल। हां बेटी, वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हां? मैं कोयटा से बोल रही हूं, आज के तेरे में बहुत देखती हूं। ए तुसा, ए तुसा रेडियो, ए रेडियो नहीं, आवाज काट करो, जिस रेडियो तुसा से की तकने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओ जी वालेकुम सलाम, अच्छो खैरी नाल, शुक्र है, आप सुनाए? बस ठीक ठाक, अपना सुना जा नाम ही दसो। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, माशाल्लाह, एक काल तुसे मिलाए कि बच्चे मिलाए? ये मैं, आप कौन बात कर रहे हो? मैं मामा फकीर हूँ। अच्छा हाँ, मैं काल मिलाई है, मैं मामा फकीर हूँ, फकीर जी। अच्छा चले, पहले आप आपस में बात कर लें, फिर हमसे भी बात कर लीजिएगा। जब तक आपके मोबाइल में वो नंबर ना हो, लेकिन जब भी कॉल मिलाएं उससे पहले आप ये तय कर लें कि आपने बात करनी है कि बात नहीं करनी।
तो हेलो 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 अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिस्मिल्लाह करां जानवी अली। ओ बिस्मिल्लाह पट्टी साहब जनाब भाग के आपके नहीं हमारे भी जाग गए हैं। आपकी कॉल मिल गई है सर। ये तुसा ने फोन नहीं आवाज कोई फ्री हुई। ये तुसा ने जरा टेलीफोन है ना इसने आवाज फ्री होगी फ्री। हाँ और जिस तरह साइकिल ने कुत्ते नहीं फेल होने। साइकिल में कौन से कुत्ते होते हैं साइकिल कुत्ते तो तक ही कौन नहीं था साइकिल जड़े कुत्ते होने पूछो ने ना। हाँ 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 चांदनी ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ आप क्या बात कर रही हैं। क्यों नहीं में रखी सी साइकिल पूछे ने ना। नहीं साइकिल हाँ। तो रखी होगी लेकिन उसके साथ कुत्ते भी रखे थे। आप हो जाना नहीं साइकिल नहीं रोज कुत्ते लते हो गए थे। मुझे समझ नहीं आई इन्होंने जो टेलीफोन कुत्ते फेल हुए। अच्छा ये कोई पुर्जा है उसका नाम है। ओके ये तो सही सुने जनाब ना तो मैंने कभी साइकिल चलाई ना फिर वो साइकिल ठीक करवाया। पिछली भूली गई। नहीं नहीं साइकिल चलानी तो आती है लेकिन साइकिल को कभी ठीक नहीं करवाया तो उन्होंने बताया नहीं कि इसमें कुत्ते जो है वो फेल हो गए। चलो हाँ तो मैं गल करनी से दीनवर ने कार जी जी वो आने से है चांद मियां असा है दिहाड़े निके ने रखसा कार्ड मैं खबरदार कार्ड क्या होना बीबी जी कार्ड। हाँ हाँ अच्छा कार्ड है कार्ड छपवा सा था चांदनिया क्या हो गया जैसे पहले लोग सदा सदे के लिए भिजवाते थे ना। है सीधे लिफाफे आनो तो त्रै त्रै पतासे सटो बिच। हाँ 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 त्रै पतासे चार पतासे बस है भाजी। हाँ वो बेचारा क्या कह रहा था आपको आप उसको क्या कह रही है। मैं जो खुश आया मैं ठीक आया। हाँ। मतलब कार्ड से मुराद ये कि इनविटेशन भिजवाएंगे लोगों को। हाँ, तो मैं लेकिन वैसे चांदनिया ये इस किस्म के लवाजमात जो है ना इससे हमने अपने खर्चे बढ़ा दिए। हाँ, निकी जी बाड़ी सी ना हाँ बेची ने ना बाड़ी बेची ने उन शो कर सो ना। हाँ हाँ तोबा 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 लेकिन ये गलत है ना हम अपने खर्चे बिला वजह बढ़ाते हैं अगर वो हम किसी सही जगह पे लगा लें ज्यादा बेहतर। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी वक्फे से वापस आएंगे चांदनिया से माइये सुनेंगे आप लोगों की। दो मैं है मासी एक तो तुसा सोचने को ही नहीं होना आगे पीछे नहीं तकने हो है मैं सोची तो गल करया करो आना है लोटी लोटी क्या है इसे क्या है मैं ना मैं बीबी जी का सारी जिंदगी कम को नहीं किया। हाँ हाँ वो क्या कह रही थी क्या करना है वो आनी चाहिए बीबी जी क्या हो क्या है कणक पोआसा नाला है कणक मतलब गंदम काटने के लिए। हाँ हाँ आने हैदराटी चलाएगी नहीं मैं है वाह वाह दराटी चलाएगी नहीं वो तो बड़ा मुश्किल काम होता है चांदनिया। हाँ, हाँ। मुश्किल है मैं क्या खबरदार और इस गर्मी में तो बस वो भी तो औरतें ही है ना। बिल्कुल चांदनिया उनको मेरा सलूट है ये जो हमारे देहातों में जितनी ख्वातीन काम करती है ना। हम समझते हैं कि हम शहरों वाली ख्वातीन बहुत काम करती हैं घर में भी और बाहर भी जाके जॉब भी करती हैं लेकिन जो देहात की खातून है उसका काम बहुत मुश्किल है और उसके बावजूद बड़ी बहादुरी से करती है तो बड़ी खुशी की बात है इस मामले में कि भाई हमारी ख्वातीन बहुत बहादुर हैं। कॉल ले लें हम। हेलो सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है सर ठीक हो करिए थे ठीक ठाक अच्छो खैरी नाल अपना सुना जा नाम ही दसो। मोहम्मद जवाद। मोहम्मद मोहम्मद जवाद जवाद माशा माशाल्लाह हरिपुर से हरिपुर से कॉल किया। अल्लाह अल्लाह हरिपुरा दे हो जी 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 ओ माशाल्लाह ओ सुनाओ से ठीक है सब खैर क्रिया सुनाओ किस क्या करने हो तुसी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असा बिल्कुल ठीक ठाक है के कुछ आखसो के कुछ नवी ताजी है सब खैर क्रिया तला जी ने शुक्र है बारिश बनी दी है। अला अला ते फोन माशाल्लाह फोन पहली दफा खड़काया ने या बस समझो पहली दफा ही खड़का देते हैं। हां पहले अपना केटू चैनल है ना इनको ना। हां इस वजह तो करें तो ये गल करनी चाहिए। अला तो करो ना सर करो ना। अच्छा एक माइया कोई गाना गाना सुना दो ना। जी 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 मेरे भाई गाइए ये गाओ ना गाओ गाओ सर आप सुनाए ना मुझे नहीं आता मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा चांदनिया सुना देंगे आप फिक्र ना करें। सुना सा क्यों ना सुना सा तुसा ना सुना सा तो और किसा सुना सा मैं तो वैसे ही सुना। ये जड़ी रेडियो सुने इसलिए आवाज उधर काट कर आया करो। हाँ टेलीविजन सेट की
कुछ चले गए हो? बस आपने कहा तो उन्होंने माये का कहा ना, इसलिए माये सुनाई है। और बिल्कुल हम अजरा को भी कहेंगे कि अजरा की फरमाइश भी आज हम पूरी कर देंगे। हाँ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। हाँ, लेकिन वो कहीं इधर उधर ना हो जाए ना, मैंने कहा कि अभी उनको नींद ना फरमाइश पहले पूरे तो प्रोग्राम से बेचारे। हाँ जी, तो आप बाद में सुनाएंगे माये। अजरा बीबी ने हमें कॉल की थी जी लाहौर से, और पहली दफा उन्होंने कॉल की थी, फिर उन्होंने फरमाइश भी की थी, और हमारे प्रोड्यूसर ने जो है वो गाना भी रेडी कर दिया। तो बिल्कुल जनाब, वो खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं, यकीन सबको अच्छा लगेगा। वाह जी वाह, मेडिसन खान साहब की खूबसूरत आवाज। ये असन डेडिकेट कीता अजरा बाजी को। हैं अजरा को? हां जी, क्योंकि वो बहुत खुश होना पहली दफा काल खड़काई। और देखिए आज उनके नसीब ऐसे थे कि उनका गाना जो है वो भी उनको फरमाइश भी उनकी आज ही पूरी हो गई। मैं उन्होंने की मैं ये सुनाने, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा बेचारे जड़ा ना बड़े इंतजार है जो सुन। आज तो बड़े ब्रांड न्यू माइये थे। यस, ऑफ कोर्स, बड़ी मेहनत की है। एनको का बड़ा कमाल है इसमें, चश्मे का। ये हुई ना बात। हाँ जी, ये हुई गल, क्यों के मान जो कुछ मैं तक है ना बीबी जी, हाँ जी, मैं जो कुछ महसूस कीता, हाँ जी, तुसा की नहीं पता। अच्छा, तुसा भी कदे महसूस नहीं कीता? ओके, हां हां, जरा कुछ मैं महसूस कीता। क्या बात, हां हां, क्यों कि बुने ग्रां जुलां उपरे ग्रां जुलां सारे खुश होन सारे ने मैं दिल रखनी आ, तो उन्हें दी गल मैं ना मन्ना, ये हो ही नहीं सकना। है तो सादे लोग ये बेचारे। हाँ जी, हाँ हाँ, लेकिन कदे कदे बड़ी कम नी गल कड़ने मुँह है बिचू। तारीफ तो वैसे भी हर इंसान को अच्छी लगती है चांदनी, और फिर आपकी हो जाए तो कदे भी इतनी तारीफ होना। लेकिन मेरी बात सुने, रात को सोते हुए जरूर चश्मा उतार लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं रात भी ना लानी था।
बेशक लगी रहा है ये बोझ है आंखों के ऊपर, ऐसे सर के ऊपर बोझ होता है ना। नहीं, रात को जब आप सो जाएंगे तो फिर क्या जरूरत है चश्मे की? नहीं 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 नहीं, मतलब ख्वाब देखने के लिए चश्मे की जरूरत है? क्या पता कोई अच्छा सा ख्वाब नजर आए तो फिर धुंधला होगा ना, मतलब चश्मा लगा होगा तो ख्वाब से इतना सोना नजर आ जी। क्या बात है भाई। हाँ जी चले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छो खैरी नाल जान मिया, क्या हाल आपका? ओ बिल्कुल असा ठीक ठाक हां। तुसा अपनी सुनाओ ते अपना प्यारा जा नाम ही दसो। फारूक चानी हवेली से बात कर रहा हूं, कश्मीर से। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहनी साहब, ओ कश्मीर केड़ी जगह विच हो? ओ जिला हवेली आजाद की दरा जी पी। अल्लाह बड़ा दूर है माशाल्लाह। लेकिन मौसम अच्छा हो गया। मौसम नहीं सुनाओ। मौसम सारी बारिश लगी है। बारिश बड़ा ठंडा मौसम है, प्यारा मौसम है जी बिल्कुल। अच्छा आपके इलाके में सर ये बताइए, आपके इलाके में टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए, जगह है जी? अपने इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइए ना हमें। ये बड़ा अतिथि चलिए अच्छा, तो यहाँ पर घूमने फिरने की कोई जगह है जैसे अगर आप बताएं कोई? बिल्कुल दरा अदिति है, बाग है। अच्छा तो नील फरी सही। अच्छा आजकल रास्तों का क्या हाल अहवाल है, जिस रास्तों से लोग आते हैं आप लोगों के इलाकों की तरफ, तो रास्ते ठीक हैं? रास्ते बिल्कुल ठीक है, रोड बहुत अच्छे हो रहे हैं, सहूलत है, किस्म की सहूलत है। वो बारिशें जब शुरू हो जाती है फिर थोड़े से मसाइल हो जाते हैं ना? नहीं इतने मसाइल नहीं होते, जिसको महकमा शहरात बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। अच्छा सही जी सर सही ठीक है। प्रोग्राम आप देखते हैं, आज पहली दफा देख रहे हैं कि पहले देखते हैं? कॉल लाते हैं, हमारी कॉल मिलती नहीं, कभी कभी मिलती है। हाँ प्रोग्राम अंग्रेजी देखते हैं बच्चों के साथ बैठ के। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह अब आपकी कॉल मिल गई है ना, अब हर प्रोग्राम में मिला करेगी। अब उसने बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुनने वाला है तो ट्राई जारी रखो, कॉल मिले या ना मिले। वाह मत मारी गई पिछले हफ्ते। मैं वाकई में प्रोग्राम में मिला रही थी कहीं और फोन, हमें इतना फोन मिलानी दिया इतना है, टाइम ही खत्म हो गया लेकिन मैं मिलानी गई। अच्छा खत्म होने के बाद भी? उस तो बाद में फिर आया, फिर गए, फिर हांडी रोटी करा तो उठे भी है, मैं अंगलियां मारा आने निकी आनी हमी एक करने हो। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी। सर कौन और कहां से? मोहम्मद इलियास बोलना थे जी, मंदरे रावलपिंडी तो बोलना थे मंदरे तू। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मंदरे ले, क्या हाल है भले हो? और ठीक हो खैर रियत है कालीगद। ओ शुक्र है, ए बड़े अरसे बाद खड़काई ने फोन हो। हां जी ओ कह दी ताली वाली रेकाई आई ताली वाली तो सारा प्रोग्राम तकना पे दिले इतनी खुशी हुई मैं कोई अपने दाना दिले पे अल्लाह ताला से सलामत रखे ते सदरा खुशियां बढ़ने रहो। आमीन आमीन बमे तुसा जी। हाय दुआ आ काजी अब्दुल वाहिद ने राजी और बसला मंदरे नाल हला ते मंदरे नाल संगोरी रहने हो हला ऐ संगोरी है जी की उम्र भी उठे ने ब्रेक ले ले चांदनी। हां हां माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे मानल, मैं जद भी जुना इतनी इज्जत करने ब्रेक ले ले चांदनी हला किन्ने असा के किन्ने असा ही कडन जुले असा जुले असा ही कडन ठीक है सही कड़ी देखने आ ते तुसा कुरा ना जुलियो सही। मानल बीबी जी मिकी जरूर बुरा लगना। क्या बात है? ओ बंदा हां कि जड़ियां बस तंजियां गल्लां करे। कौन तंजियां बातें करते हैं? बहुत सारे अला मासी कालो की तको ओ करे नजो ना लड़ी ना हैं तो मैं उधर अच्छा पे हे लगी ऊंची ऊंची
ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਏ ਲੋਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਾਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਖਿਆ ਨਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਫਲਾਂ ਤੰਜ਼ਾਂ ਮਾੜੇ ਪਰ ਤੰਜ਼ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੋਟੀ ਲੋਟੀ ਮਿਗੀ ਆਹੋ ਅੱਛੋ ਖੈਰੀ ਨਾਲ ਚਾਨ ਮੀਆਂ ਅੱਛੋ ਬਵੋ ਚਾਹ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰੋਟੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਆਲਾ ਮਾੜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਤੰਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣੇ ਹੋ ਮਾਸੀ ਕਾ ਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਈਆਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਕਾਲੋ ਮਾਸੀ ਕਾ ਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੰਜ਼ਾਂ ਮੰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹਾਂ ਇਹ ਤੰਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਮਾਥਾ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੰਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੰਜ਼ਾਂ उनकी शुरू से आदत है ना अब कैसे बदलेगी ऐसी आदत फिर पक्की हो जाती है इस उम्र में वो अपनी आदतें थोड़ी आदत है बीबी जी मान है पहचान मियाँ है माड़ा दिल करना सा कि तुसाने कहा रशा दिल करना सा अच्छा हाँ हाँ दिल माड़ा करना सा है फिर मैं सोचा कि पता नहीं है बीबी जी ए नहीं है पता नहीं है नीयत ठीक हो सी मैं ए लोटी ले मैं है नीयत आड़ी खराब है ते विच बीबी जी कुदरू आ रही है मैं है माड़ी बीबी जी ने इतना बड़ा देला हाँ मैं वो इतनी खुश होनी कोई भी मेजमान अच्छा है असन ये वेली जो मैं हाँ। चांदनी हम तो बचपन से खुश होते थे जब मेहमान आते थे याद नहीं है नहीं बचपन में जो मैं ज्यादा खुश होने से वैसे आपस से बैठे हैं तो उसका कार्ड खुश होने से वो इसलिए ना कि आप जो भी कोई चाचा मामा आता था ना 2 रुपए 1 रुपए आप जरूर उनसे ले लेते इसलिए आप खुश होती थी मुरंडे ज्यादा तुसा ही खाने होने से तो क्यों जब आपको पैसे मिलते थे तो मुझे नहीं देते आप चलो कोई बात नहीं असन ज्यादा अच्छा चांदनी प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और आज हमारे पास जो फिल्म है जो हम अपने देखने सुनने वालों को बताएंगे वो फिल्म मैं तो दिल करना के टांगा मंगा ते जूलिए फिल्म तक की चाहिए अब वो टांगे का दौर नहीं है ना चांदनी गांव जाएंगे फिर टांगे पे जाएंगे अब तो ये नहीं असन जुलसा टांगे पे अच्छा चलो ठीक है अच्छा जनाब आपको बताते चलें क्योंकि आज तो जुमेरात है पहले हमारा प्रोग्राम जुमे को होता था अब जुमेरात को हम 9 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और अब की दफ़ा आप सैटरडे को फ्राइडे को या संडे को जो भी दिन आपको सूट करता है एक फिल्म पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म थी बहुत ही ज़बरदस्त उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी उसके गाने बहुत कमाल के थे और ये नदीम साहब की पहली पंजाबी फिल्म थी नदीम साहब का ये बहुत बड़ा कमाल है कि उन्होंने उर्दू फिल्मों में काम किया पंजाबी फिल्मों में काम किया और वक्त के साथ साथ पहले वो हीरो आए उसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों में एक्शन भी किया कुछ कॉमेडी बड़ी ज़बरदस्त उनकी फिल्में मौजूद हैं जिसमें वो बड़े बल्कि ये जो मुखड़ा है इसमें भी इनके 2 तरह के कैरेक्टर हैं बाद में एक्शन और उससे पहले ये बिल्कुल एक सादा सा जो है एक इंसान का इसने इन्होंने एक रोल प्ले किया था और इस फिल्म के गाने जो इन्होंने मैडम नूरजहां के साथ एक गीत गाया था वो भी हम आपको प्रोग्राम के अख्ताम पर सुनाएंगे इस फिल्म का नाम था मुखड़ा तो आप लोगों के पास टाइम हो इस वीकेंड पे आप ज़रूर मुखड़ा फिल्म देखें एक तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाएगा बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो भी ताज़ा हो जाएंगी और उसके साथ साथ एक बहुत प्यारा फैमिली टाइम गुजरेगा आपका क्योंकि ये वो फिल्में थी जो आप फैमिली के साथ बैठ के देखते थे इंजॉय करते थे इसमें स्टोरी होती थी ड्रामा होता था म्यूज़िक होता था और इसमें कॉमेडी होती थी यानी कि एक मुकम्मल पैकेज जो फिल्म का होता है वो इन फिल्मों में आपको मिलता था नदीम साहब के हवाले से अगर बताऊँ तो 17 निगार अवार्ड इनको मिले इसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इन्होंने लिया और वक्त के साथ साथ उन्होंने खुद को इस तरह मोल्ड किया कि अमूमन क्या होता है कि हीरो हीरोइन जो होती हैं उनको ज़हनी तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि अच्छा अब हम हीरो या हीरोइन नहीं आ सकते तो हम कैरेक्टर रोल क्यों करें लेकिन उन्होंने इस बात को गलत साबित किया वो आज भी फिल्मी अगर आपको फिल्मों में नज़र ना आए तो वो आपको ड्रामाज में नज़र आते हैं टेलीविजन की स्क्रीन पर नज़र आते हैं और बीइंग अ प्रोड्यूसर भी उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत ही कमाल फिल्में जो हैं उन्होंने दी इस फिल्म में इन्होंने ये गाना भी गाया था इस वीक आप एंड पे ज़रूर ये वीकेंड पे फिल्म देखिएगा मुझे और चांदनिया को दीजिएगा इजाज़त और इसका गीत जो है बहुत खूबसूरत सा वो आपको सुनाते हुए इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जुमेरात को फिर मुलाकात करेंगे अल्लाह हाफ़िज़